नमस्कार। आज से पूरे 1.5 महीना पहले लगभग 1 जून के आसपास हम लोगों ने अनुमान लगाया था, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ, दिल्ली में तेज़ी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ये अनुमान लगाने के लिए कि आज जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं उसके हिसाब से अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, फिर अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, ताकि उसकी तैयारी की जा सके। तो जो केंद्र सरकार का जो फार्मूला था, उस फार्मूले के हिसाब से हम लोगों ने जून के पहले हफ्ते में अनुमान लगाया था कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो 30 जून को कितने केस हो जाएंगे, 15 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे और 31 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे। और वो अनुमान हमने आप सब लोगों के सामने रखा था। उस अनुमान के मुताबिक 15 जुलाई तक ये अनुमान था कि आज तक 2.25 लाख केस होने का अनुमान था उस फॉर्मूले के हिसाब से। जून में जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, उसके हिसाब से, केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आज तक 2.25 लाख केस हो जाने चाहिए थे दिल्ली में टोटल। उसमें से 1,34,000 एक्टिव केसेस होने चाहिए थे और इन एक्टिव केसेस के लिए लगभग 34,000 बेड्स की जरूरत थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार ने मिलके, केंद्र सरकार ने मिलके, सब लोगों ने मिलके जो प्रयास किए, आज अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं, 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। अनुमान था कि 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, लेकिन आज केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। अनुमान था 1,34,000 केस एक्टिव होंगे, केवल 18,600 केस एक्टिव हैं। और अनुमान था कि 34,000 अस्पतालों में बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अस्पतालों में, कोविड सेंटर वगैरह में, अस्पतालों में 34,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी, आज केवल 4,000 बेड्स की दिल्ली के अंदर जरूरत पड़ रही है। हमने 15,500 बेड्स का इंतजाम कर लिया है, लेकिन आज उनमें केवल 4,000 बेड भरे हुए हैं, बाकी सारे बेड खाली हैं। तो स्थिति काफ़ी नियंत्रण में नज़र आ रही है आज, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमें कॉम्प्लेसेंट नहीं होना, हमें इसके बारे में ये नहीं होना कि अब सब ठीक हो गया, कभी भी कोरोना बढ़ सकता है, उसकी तैयारी हमें जारी रखनी है। आज हमारी जो स्थिति है इसके लिए, और जो आज स्थिति को हमने पिछले 1.5 महीने रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने ठीक किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों का, उन सब लोगों का जिन लोगों ने दिल्ली में कोरोना की स्थिति पे काबू पाने में मदद की, उन सब लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।